बेसिकली हमें भी जैसे हमारी माओ ने हमें सिखाया, ठीक है, जब हम पढ़ भी रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको कुकिंग आनी चाहिए, चाहे आपके घर में 10 नौकर हों लेकिन आपको किसी की मोहताजी नहीं होनी चाहिए। तो सेम मैंने अपनी बेटी को भी ऐसी, जब वो 9th क्लास में थी, ये रंगून वाला में उसको मैंने क्लासेस दी थी, मैंने कहा तुम जाके बेटा छुट्टी है तो वेकेशन तुम ऐसे गुजार लो, बेकिंग सीख लो, थोड़ा बहुत खाना, अपनी ग्रूमिंग सीख लो, वहाँ ग्रूमिंग भी सिखाई जा रही है। तो मैंने अपनी बेटी को भी सिखाई, मुझे शौक था ना, मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं सीखेगी। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना वो एक बात ये कहती थी हमेशा, मेरी अम्मी कहती थी अगर औरत पढ़ी लिखी होती है और जब उसके सर पे पड़ती है वो सब सीख लेती है। सो मुझे कभी कभार होता था कि अम्मी ने हमें नहीं खाना पकाना सिखाया था और जब हमारे सर पे पड़ी तो उस वक्त ज्यादा ही पड़ गई। लेकिन आप वैसे ही, आपको सोशल मीडिया ने इतना सिखा दिया है ना, YouTube हमारे जमाने में तो ये सब मेरी बेटी YouTube देखती है, तब हम डायरीज लिखते थे, रिमेम्बर, मेरे बेटों ने ऐसे ही सीखा, हमने डायरी में रख रहे हैं, बेकिंग खानों की किताबें लेकर आते थे। ये बच्चे आजकल खुद सीख जाते हैं। वो वाली बातें जो अम्मी अब कहती थी ना, लड़की पढ़ी लिखी हो तो सब कुछ खुद आ जाता है, तो वो मुझे अब समझ आती है कि अम्मी को कैसे पता YouTube इतना आ जाएगा कि अब ये वाली चीज़। हाँ, जैसे माय मदर, आई एम सॉरी, मैं अपनी बेटी को जैसे कोई एक चीज बताती हूँ ना, हाँ, कि वो पूछेगा अम्मा ये आलू गोश कैसे बनेगा, अच्छा उसको आप मुझे वॉइस नोट भिजवा देना, तो मैं उसको भेजती हूँ, फिर मुझे वापस नहीं गए, ये YouTube में तो ऐसा नहीं है, आप कुछ गलत बता रही हूँ, कुत्ते में इनके सारी जिंदगी होगी मुझे ऐसे पकाते गलत है। नहीं, आप क्योंकि YouTube में आपको बहुत वैरायटी मिलती है ना, अलग अलग कुकिंग स्टाइल्स की, सो वहाँ पे आपको कुछ नई टेक्निक भी पता चल जाती है, कोई ऐसी चीज, कोई चीज आपके पास होगी उधर उनके पास नहीं होगी। अच्छी बात है, बच्चों में भी अवेयरनेस आनी चाहिए।